स्थानीय नवापारा सहित अंचल में वट सावित्री पूजन कार्यक्रम शुक्रवार को विधिवत रूप से संपन्न हुआ। ज्येष्ठ की अमावस्या तिथि को जाने वाली इस पूजन में सभी व्रती महिलाएं पीले वस्त्र के साथ 16 श्रृंगार कर पूजन के लिए पहुंची थी। अखंड सौभाग्यवती बनने की कामना से ये सभी महिलाएं निर्जला व्रत रखी, देव वृक्ष वट वृक्ष की पूजा कर सावित्री की तरह भगवान यमराज से सतत अपने पति के दीर्घायु की कामना की। पूजन के लिए पहुंची हितेश्वरी द्विवेदी, कृति द्विवेदी, पद्मिनी सोनी, नेहा सोनी, कुसुम सोनी, सीबू साहू, प्राची साहू, राखी साहू व वीणा साहू ने बताया कि वट सावित्री पूजन सभी सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्यवती होने के उद्देश्य की कामना से करती हैं। वहीं पूजन के लिए विशेष रूप से वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करते हैं, बेसन के घोल से हाथा देते हैं और वट वृक्ष की 12 बार पीले धागे से या मौली धागे से परिक्रमा करते हैं। पूजन के पश्चात सभी महिलाएं सत्यवान सावित्री की कथा सुनते हैं और फिर आरती पूजन कर प्रसाद बांटते हैं। इस तरह सभी महिलाएं अखंड सौभाग्यवती होने के लिए यह विधिवत पूजन कर पति की दीर्घायु की कामना कर इसी तरह सभी महिलाएं अखंड सौभाग्यवती होने के लिए विधिवत पूजन कर पति की दीर्घायु की कामना की। इस दौरान सभी ने कोरोना की समाप्ति के लिए भी भगवान से प्रार्थना की। व्रती महिलाओं में से एक नेहा सोनी ने इसे महिलाओं के लिए विशेष पूजन बताया, क्योंकि इस दिन वे सभी अखंड सौभाग्यवती होने के उद्देश्य से पूजन करती हैं। यह दीर्घ काल से चली आ रही परंपरा है और आगे भी निरंतर चलती रहेगी। यह तेजस्वना व भगवान के प्रति निष्ठा का पूजन है, जिसमें सभी महिलाएं अपनी पति की दीर्घायु की कामना को लेकर पूजन करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार यह मान्यता है कि वट सावित्री के दिन सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण की रक्षा की थी। सावित्री के व्रत से प्रसन्न होकर यमराज ने चने के रूप में सत्यवान के प्राण सौंपे थे। चना लेकर सावित्री सत्यवान के पास आई और सत्यवान में प्राण फूंक दिए। इस तरह से सत्यवान जीवित हो गए और तभी से वट सावित्री पूजन में चना पूजन का नियम है और वट वृक्ष को दूध जल से सींचा जाता है। जी, हमारे साथ यहाँ पर कुछ व्रती महिलाएं हैं जो वट सावित्री की पूजा रखे हैं। बताइए जी, आज के विषय से। आपकी बहनों को वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा उम्मीद करती हूँ कि आज हमारा देश कोरोना से लड़ रहा है, इसी बीच में आप सभी के द्वारा अपने पतियों के लिए सौभाग्यवती बनने का, रहने का, उनकी दीर्घायु के लिए इतना विशाल व्रत करने के लिए सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। और इस उपवास के माध्यम से महिलाएं अपनी तेजस्वना और भगवान के प्रति जो इच्छा है, विश्वास है, उम्मीद है, उसको जाग रखने के लिए और आगे अपने पति की दीर्घायु के लिए, लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत करती हैं। और ये व्रत दीर्घ काल तक चलते रहेगा, जैसे पहले चलते आ रहा है, और उसी प्रकार से हम उम्मीद करते हैं कि हमारा देश बहुत जल्दी कोरोना से मुक्त हो जाए और हमारा देश सफल है, सुरक्षित रहे। धन्यवाद जी। हमारे साथ यहाँ पर कुछ व्रती महिलाएं हैं जो आज वट सावित्री की पूजा करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, शीतला मंदिर के पास, इस पीपल पेड़ के नीचे, बरगद पेड़ के नीचे। जी बताइए, आप लोग क्यों यहाँ पर आए हैं और कैसे पूजा करते हैं वट सावित्री? जी जी हैं। मुख्य उद्देश्य क्या रहता है आप लोगों का इस पूजा के पीछे? जी, आपका नाम? और आज के दिन लंबी उम्र की आयु के लिए हम व्रत करते हैं और माता वट सावित्री, सत्यवान सावित्री की पूजा करते हैं, कथा पूजा अर्चन करते हैं। परिक्रमा करते हैं और अपने पति की लंबी उम्र की आयु की कामना करते हैं। मेरा नाम हितेश्वरी द्विवेदी है, ये मेरी जेठानी जी है। जी।